आज कजरी तीज मनाई जा रही है। ये त्योहार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे कजरी तीज, बूढ़ी तीज या सातोड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इसे कजरी तीज या सातोड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मनचाहे वर की कामना के लिए लड़कियां भी इस दिन व्रत रखती हैं। कजरी तीज पर चंद्रमा को अर्घ्य देने की भी परंपरा है। कजरी तीज की व्रत कथा की बात की जाए तो बता दें आपको कि कजरी तीज की एक पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता। भाद्रपद महीने की कजरी तीज पर उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा। उसने ब्राह्मण से कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है और आप कहीं से चने का सातू लेकर आइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं सातू कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू कहीं से भी लेकर आओ। रात का समय और ब्राह्मण घर से सातू लेने के लिए निकला। वो साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया और चुपके से निकलने लगा। उसकी आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर साहूकार आया और उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। फिर ब्राह्मण ने सफाई देते हुए कहा कि मैं चोर नहीं बल्कि एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा। जब साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसे वाकई ब्राह्मण के पास से सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के कजरी तीज की पूजा विधि की बात की जाए तो बता दें आपको कि इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, जबकि लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए व्रत करती हैं। सबसे पहले निमणी माता को जल, रोली और चावल चढ़ाएं। निमणी माता को मेहंदी और रोली लगाएं। निमणी माता को मोली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद फल और दक्षिणा चढ़ाएं और पूजा के कलश पर रोली से टीका लगाकर लक्षा बांधें। पूजा स्थल पर घी का बड़ा दीपक जलाएं और माता पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खुलना चाहिए। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट फ्राइडे स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।